हाँ गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग डिफरेंशिएशन में आगे की ओर बढ़ेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 7वां दिया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि साइन वाई बराबर एक्स प्लस साइन ए प्लस वाई, तो देन आपको प्रूफ ये करना है। तो बच्चों देखिए, बहुत ही आसान तरीके से क्या करते हैं, यहाँ से एक्स की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई आ जाएगा। फिर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एन आर अपॉन डी आर रूल, तो एन आर अपॉन डी आर रूल लगाएंगे तो फॉर्मूला होता है डी आर का स्क्वायर, ये लिखा रहा डी आर डी बाई डी एक्स एन आर माइनस एन आर और डी बाई डी एक्स ऑफ डी आर। साइन ए प्लस वाई ऐसे लिखा रहा क्योंकि इससे पहले डी बाई डी एक्स नहीं है, इससे पहले डी बाई डी एक्स है तो साइन वाई का कॉस वाई, और वाई का फिर से करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स, फिर माइनस का साइन वाई आपका ऐसे ही लिखा रहा और डी बाई डी एक्स साइन और ये आपका एक्स। साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, और बच्चों ए ए प्लस वाई का फिर से करेंगे तो ए में तो एक्स आई नहीं तो इसका जीरो होगा और वाई का डी वाई डी एक्स होता है। ठीक है बच्चों, ये साइन ए साइन स्क्वायर ए प्लस वाई को हम लोग इधर ले आए, इन दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है तो साइन ए प्लस वाई ये लिखा रहा, कॉस वाई ये लिखा रहा, फिर ये माइनस का कॉस ए प्लस वाई ले लिया, फिर साइन वाई लिख लिया। बच्चों ये डी वाई बाई डी एक्स आपका ऐसे लिखा रहा है, ये हम लोग फार्मूला देख रहे हैं साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी, जो कि साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है। ए की जगह ये माइनस बी की जगह वाई, वाई से वाई कैंसिल हो गया, तो यहां से अगर हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाले तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों अब हम लोग का नेक्स्ट इसी में टॉपिक होगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पार्ट जो थर्ड है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, कुछ फार्मूले जो आपको ध्यान रखने हैं। लॉगरिथम लॉग के बेस पे लॉग एम इन टू एन का फार्मूला, लॉग एम प्लस लॉग एन, यहां पर दो चीजें थी, देखिए दो चीजें लॉग में हो तो प्लस के साथ लॉग अलग अलग के साथ आ जाती है। इसी तरीके से मान लीजिए तीन चीजें हैं लॉग में मल्टीप्लाई में, तो ये तीनों चीजें लॉग के साथ अलग अलग सेपरेट हो जाएंगी प्लस में। इसी तरीके से लॉग एम अपॉन एन का फार्मूला लॉग एम माइनस लॉग एन होता है, इसी तरीके से लॉग एम की पावर एन पावर में है तो एन आगे आ जाएगा लॉग एम। और बच्चों दो फार्मूले इस तरीके के कभी नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा लॉग एम प्लस एन और लॉग एम माइनस एन का कोई भी फार्मूला नहीं होता। तो टाइप फर्स्ट, तो टाइप फर्स्ट में क्वेश्चन है वाई बराबर एक्स की पावर एक्स। तो बच्चों ये लॉगरिथमिक यूज कब होता है, जब फंक्शन की पावर में फंक्शन हो, मतलब फंक्शन की पावर में फंक्शन हो तब आपका लॉग लिया जाएगा, तब हम लोग लॉग वाला फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर x की पावर में x दिख रहा है, x की पावर में x दिखे, x की पावर में y दिखे, y की पावर में x दिखे, तो समझ जाइए बच्चों यहाँ पर लॉगरिथमिक लगेगा। या फिर जब बहुत बड़ा आपको फंक्शंस दिया हो तो भी हम लोग लॉग लेके सॉल्व करते हैं। तो अभी बेसिकली हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन सीखेंगे, तो TLBS हम लोग करेंगे। TLBS का मतलब है टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग वाई आपका ये हो गया, यहाँ पर लॉग लिया तो लॉग एक्स की पावर वाई हो गया, ये लॉग वाई हो गया, ये बच्चों फार्मूला दिख रहा होगा लॉग एम की पावर एन, तो एन आगे उतरेगा, देखिए एक्स आगे आ गया, लॉग एक्स आपका ऐसे लिखा रहा dw विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों हम लोग जानते हैं d बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है, 1 अपॉन x होता है, ऐसे ही log ये x हो गया तो log x का 1 अपॉन x मतलब 1 अपॉन y, और y का फिर से करेंगे dy बाई डी एक्स। और यहाँ पर बच्चों आपको दिख रहा होगा फर्स्ट सेकंड रूल आपको दिख रहा होगा, तो फर्स्ट d बाई डी एक्स सेकंड प्लस सेकंड और d बाई डी एक्स फर्स्ट। तो ये बच्चों y आपका इधर आ गया, x आपका ऐसे लिखा रहा, इससे पहले dy dx है तो log x का dy dx 1 upon x होता है, log x ये लिखा रहा और x का डिफरेंशिएशन 1, तो dy by dx y की वैल्यू बच्चों हम लोग को ये दिख रही है x की पावर x लिख दिया, ये 1 बचा और प्लस का log x, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वाई बराबर साइन एक्स की पावर लॉग एक्स है। तो बच्चों फिर फंक्शन के ऊपर फंक्शन मीन्स एक्स की पावर में एक्स लिखा, तो TLBS करना है टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लिया तो ये लॉग वाई आपका ये लिख रहा, लॉग एम की पावर एन दिख रहा है तो ये लॉग एक्स आगे उठ के आ जाएगा और लॉग ऑफ साइन एक्स ये ऐसे ही लिखा रहा। फिर डिफरेंशिएट करेंगे लॉग वाई का, हम लोग जानते हैं 1 अपॉन वाई डी वाई डी एक्स होता है, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड रूल लगाएंगे तो देखिए बच्चों फर्स्ट डी वाई डी एक्स सेकंड प्लस सेकंड डी वाई डी एक्स फर्स्ट आ गया। यहाँ से dy by dx की वैल्यू अगर हम निकालें तो y आपका क्रॉस होके इधर जाएगा, log x आपका ये दिखा रहा। अब बच्चों log और ये x दिख रहा है, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x मींस 1 अपॉन x की जगह sin x है, और जिसको राउंड करते हैं उसका dy dx फिर से हम लोगों ने किया प्लस log ऑफ sin x ये लिखा रहा, और dy dx log x 1 अपॉन x होता है। अब बच्चों y की वैल्यू मुझे ये दिख रही है तो मैंने y की वैल्यू यहाँ पर डाल दी, और उसके बाद log x ये लिखा रहा, 1 अपॉन sin x ये लिखा रहा, dy dx sin x क्या होता है cos x होता है, log ऑफ sin x ये लिखा रहा अपॉन में x ये लिखा रहा। तो बच्चों ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं जो कि आपको स्वयं सॉल्व करने हैं, बाकी इसमें जो दिक्कतें होती हैं वो आप मुझसे पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहां पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है टाइप टू।
टाइप टू, ये अभी तक हम लोगों ने टाइप फर्स्ट पढ़ा था, अब टाइप टू। तो टाइप टू में इस तरीके क्वेश्चन है, जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है y बराबर साइन की पावर 10x प्लस कॉस की पावर सेक एक्स, तो आपको डीवाई बाई डी एक्स निकालना है। बहुत अहम क्वेश्चन है बच्चों, अभी तक का फंक्शन आपको सिंगल में दिए गए थे, सिंगल सिंगल था, अब यहाँ पर एक है बीच में प्लस या माइनस का साइन दिख जाएगा। तो बच्चों फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो, बीच में प्लस या माइनस दिखे, तो आप ध्यान रखिए वाई इज इक्वल टू, एक को कुछ वाई वन लेट कर दिया, दूसरे को वाई टू लेट कर लिया, और उसके बाद दोनों तरफ हमने क्या कर दिया डी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, वाई वन का डी वाई वन बाई डी एक्स, और वाई टू का डी वाई टू बाई डी एक्स, ये इक्वेशन ए हो गई। बच्चों फाइनल आंसर हमारा यही आएगा। अब मुझे चाहिए क्या क्या, दो चीजें चाहिए, डी वाई वन बाई डी एक्स और डी वाई टू बाई डी एक्स। तो हम लोग बच्चों ये डी वाई वन बाई डी एक्स और डी वाई टू बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट पार्ट मैंने वाई वन उठाया, वाई वन बराबर साइन एक्स की पावर 10x है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिख रहा है, तो टी एल बी एस हम लोग लेंगे, log y1 बराबर log sin x की पावर 10x, log y1 ये लिखा रहा, ये log m की पावर n से 10x ऊपर आ जाएगा, log of sin x ये लिखा रहा। अब बच्चों 1 अपॉन log y1 का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y1 dy1 by dx, यहां पर फर्स्ट सेकंड रूल लगाओगे, फर्स्ट dy dx सेकंड प्लस सेकंड dy dx, फर्स्ट आ गया ये dy1 by dx ये लिखा रहा, y1 आपका इधर आ गया 10x, ऐसे लिखा रहा log x, log x का 1 अपॉन x मींस 1 अपॉन sin x, और sin x का फिर से dy dx प्लस log of sin x ये लिखा रहा, और dy dx 10x हम लोग जानते हैं बच्चों sec स्क्वायर x होता है। अब ये बच्चों 1 अपॉन sin x ऐसे लिखा रहेगा, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x होगा। तो देखिए बच्चों cos sin x का डिफरेंशिएशन हम लोग ने क्या कर दिया, cos x। तो बच्चों यहां पर हम देखते हैं 1 अपॉन 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, cot x लिख सकता हूं। देखिए 1 अपॉन 10 को मैंने क्या लिख दिया है, cot x, 1 अपॉन cot लिख दिया है, और ये sin अपॉन, भाई sin x का डिफरेंशिएशन cos x से होगा, तो cos अपॉन sin बन जाएगा 10, कॉस अपॉन साइन बन जाएगा कॉट। तो देखिए बच्चों कॉट एक्स से आपका ये लिखा है, और बाकी जो आपकी चीज ये थी वो एज इट इज वैसे ही लिखी हुई है। अब बच्चों ये कॉट से कॉट आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चा लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये आपका डी वाई वन बाई डी एक्स निकल आया। इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट हमारा वाई टू जो था, हमारा वाई टू बराबर क्या था, कॉस एक्स की पावर सेक एक्स। तो बच्चों हम लोग ने वाई टू बराबर कॉस एक्स की पावर सेक एक्स उठाया, और TLBS दिया, तो log y2 बराबर log cos x की पावर sec x, log y2 बराबर log m की पावर n से sec x, नीचे आगे आ जाएगा, और log of cos x ये लिखा रहा, log y2 का 1 upon y2 dy2 by dx होगा। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड रूल मैंने अप्लाई किया, फर्स्ट dy dx सेकंड प्लस सेकंड dy dx फर्स्ट, तो y2 आपका इधर आ गया, sec x ये लिखा रहा, log x का 1 upon cos x, और cos x का dy dx फिर से किया, log of cos x ये लिखा रहा, और sec x का डिफरेंशिएशन sec x * 10x होता है। ये y2 की मैंने वैल्यू रखी, ये sec x आपका ये लिखा रहा, 1 अपॉन cos x ये लिखा रहा, और cos x का माइनस sin x, तो माइनस आगे लगाया, और sin x ये लिखा रहा, प्लस log of cos x ये लिखा रहा, sec x tan x आपका ये लिखा रहा, ये एज इट इज ऐसे लिखा है, माइनस का ये लिखा है, sec x ये लिखा है, sin upon cos 10 हो जाएगा, प्लस log cos x * sec x * 10x। अब बच्चों हम लोग के पास दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, dy1 / dx और dy2 / dx दोनों की वैल्यू आ चुकी हैं। ये दोनों ही वैल्यू उठा के मैं कहाँ रखूंगा, फ्रॉम ए में रखूंगा। तो देखिए फ्रॉम ए में आते हैं, और फ्रॉम ए पर वैल्यू रखते हैं, फ्रॉम ए में dy1 by dx की वैल्यू और dy2 by dx की वैल्यू रख दी, और ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस हैं टाइप फर्स्ट और टाइप टू में, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको करने हैं, बाकी आपको कोई जो दिक्कत होती है वो आप हमसे फिर से समझे। धन्यवाद।